नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड सारे सवालों और जवाबों के बारे में, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करने के लिए तो हम बोल देते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम भी बता देते हैं, आपको अपनी विशेष किस तरह से लिखनी है हम ये भी बता देते हैं, लेकिन उसका करना क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई है दिमाग के अंदर। सारी खिचड़ी है ना, आज मैं सॉल्व भी कर देती हूँ, सारे दाल चावल सब्जियां सब अलग निकाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज, लिखना किसके अंदर है। कोई भी पुरानी डायरी पड़ी है आपके पास, आप लिख सकते हैं। कोई नई कॉपी खरीद के लेके आना चाहते हैं, लिख सकते हैं। कोई नोट पैड है, लिख सकते हैं। कहीं से कुछ पेपर्स कलेक्ट कर लिया आपने, उस पर आप लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। अब इन पेपर्स का करना क्या है, आप नहीं चाहते कि आपके विशेष कोई और पढ़े, डिस्पोज कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो उस टाइम पे आपका प्रेजेंट होना था, आपकी फीलिंग्स थी जो आपने एक्सप्रेस कर दी, अब आप उसे डिस्पोज कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कब तक लिखना है, कुछ चीजों के लिए पर्टिकुलर टाइम होते हैं, जैसे कि ग्रेटिट्यूड जर्नल। अगर मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात करूं तो ये तो आपको पूरी जिंदगी लिखना चाहिए। देखिए, यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, उसने जब हमारे लिए कोई लिमिट नहीं रखी तो हम थैंक यू बोलने के लिए लिमिट्स रखें कि हम इतने ही दिन लिखेंगे। नो, आप इसे पूरी जिंदगी लिख सकते हैं और आपको लिखना भी चाहिए। अब अगर आप बीच में किसी दिन भूल गए, या आपकी इच्छा नहीं कर रही, या आपका मन ठीक नहीं है, या फिर फैमिली का माहौल ऐसा बना हुआ है कि आप नहीं लिख पा रहे, तो अब इस चीज के लिए नेगेटिव फीलिंग मत लेकर के आना, हम नहीं लिख पा रहे हो, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब अच्छा वाला फील होना शुरू हो जाए फिर से लिख लेना, या फिर अब अच्छे वाले फीलिंग के ऊपर जाना चाहते हो तब लिखना शुरू कर देना, इसके लिए भी कोई लिमिट्स नहीं है। अब ये जर्नल अगर भर जाएगा तो क्या करना है, क्या करते हैं, जब हमारी कोई कॉपी किताब स्कूल में भर जाती थी तो हम क्या करते थे, एक नई कॉपी ले लेते थे ना, एक नई डायरी ले लेते थे, बस यही करना है इसमें भी। अब पुराने वाले जर्नल का क्या करें, नहीं चाहते कि कोई उसे पढ़े, डिस्पोज कर दीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला, आपकी फीलिंग्स मैटर करती हैं, उस वक्त आपका प्रेजेंट मोमेंट पर अवेलेबल होना मैटर करता है, वहां आप थे अवेलेबल, ठीक है, वो चीज चली गई, तो ये पेपर सिर्फ अब पेपर है, इसका कोई मतलब नहीं है, तो आप इसे डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसे फेंक सकते हैं, पानी में बहा सकते हैं, आग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जब हम किसी टेक्निक की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैंने आपसे बात की है 21 दिन, आपको 21 दिन तक अपने विश को लिखना है, तो आपको क्या वहां पर अलग अलग विशेष लिखनी है। देखिए, 21 दिन की अगर मैं बात करूं तो यस, आप अलग अलग अपनी विशेष को लिख सकते हैं। जैसे कि 5 विशेष आपने चुनी और 5 विशेष आपको 21 दिन तक लिखनी है। अब विशेष आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन वो 5 जो होंगी ना लाइंस, वही आगे पीछे होंगी। जैसे कि ये वाला घर मुझे चाहिए, ये वाली कार मुझे चाहिए, तो आपने क्या किया, पहले कल आपने लिखा था कि ये वाला घर मुझे चाहिए, ये वाली कार मुझे चाहिए, अब आज आपने लिख दिया ये वाली कार मुझे चाहिए, नीचे लिख दिया आपने ये वाला घर मुझे चाहिए, लाइंस ऊपर नीचे हो सकती हैं। ठीक है, अब जो विशेष को एक और जर्नल होता है, ये तो हो गया टाइम वाला, जिसमें हम 21 डेज के लिए ही आपको बोल रहे हैं कि आपको 21 डेज तक ही लिखना है। अब 21 डेज के बाद में आपको इसको छोड़ देना है, 22वें दिन आपको इसको नहीं लिखना है, उसके बाद आपको फिर भी लगता है यार मेरा बड़ा मन कर रहा है, तो आप एक ऐसी लिस्ट बनाएं जहां पर वो 5 विशेष के अलावा भी आपके और भी बहुत सारे विशेष होती है ना, वो भी आप लिख रहे हो। वो वाली विशेष का क्या करना है, ये जो आपने 21 दिन तक 5 विशेष यहां पर रहेगी, इसको तो आप 22वें दिन छोड़ देते हैं, लेकिन आपको यही वाली 5 विशेष को लिखते रहना है, आपका बहुत मन कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस था, ये वाला जो एक हमारी जो टेक्निक थी 21 डेज वाली, इसको आपने साइड किया। आपके पास एक और जर्नल है या फिर वही सेम डायरी है, आप पीछे के पेजेस ले सकते हैं और उसको 5 के बजाय 10 कर लीजिए, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, आपकी मर्जी है इसके ऊपर। विशेष जो आप एक जर्नल मेंटेन करते हैं जिसके अंदर आप अपने विशेष को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, तो उन्हें कब तक लिखना है, ये तो हो गई हमारी टेक्निक की बात, जिसमें मैंने 21 डेज की बात की। अब 21 डेज के साथ में मैं 5 × 5 = 5, 3 × 3 = 3, इसमें जो एक इसका एक टाइम होता है, आपने ये टाइम तक उस विश को लिखा। ठीक है, अब इसके अंदर से ही एक ऐसी विश है जिसको आपको रोज लिखने का मन करता है, तो क्या करें, क्या इस टेक्निक के विश का इस्तेमाल करना चाहिए। 5 × 5 = 5, 3 × 3 = 3 में हम एक विश, एक ही लाइन आपको चेंज नहीं करनी होती, वो बोलते हैं। 21 डेज वाले के अंदर आप 5 विशेष या 6 विशेष, आप जितनी भी विशेष उसके अंदर लिख रहे हैं, तो वो आप अलग अलग विशेष लिख सकते हैं। आप समझ रहे ना थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल आते हैं मुझे इससे रिलेटेड, तो मुझे लगा एक एक चीज करके ना मैं आपको क्लियर करते जाऊं।
21 दिन वाली चीज क्लियर हो गई कि आप उसके अंदर अलग अलग पांच छह तरह की विशेस को लिख सकते हैं, ऊपर नीचे लाइंस हो जाएंगी, चलेगा। 5 × 5 = 5, 3 × 3 = 3 में 5 × 5 = 5 में 5 दिन, 3 × 3 = 3 में 3 दिन। आपको इस विश को लिखना है और लिख करके उतने दिन के बाद आपको इसको छोड़ देना है, ठीक है। टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद भी आपका मन कर रहा है कि अब मेरी दूसरी विश है और मुझे इसी टेक्निक का इस्तेमाल करना है, जैसे कि 21 दिन वाली का या इस्तेमाल करना है या 5 × 5 = 5 या 3 × 3 = 3, तो क्या करें, कब करें? एक हफ्ते के बाद आप किसी भी टेक्निक का दूसरे विश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पिछली वाली जो आपकी विश है वो पूरी हुई हो या नहीं हुई हो। एक हफ्ते का गैप देना बहुत जरूरी है। एक हफ्ते का गैप देना क्यों जरूरी है? आपने जब किसी एक टेक्निक का इस्तेमाल किया था और वहां पर आप लिख रहे थे, तो आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो भी चीजें थी, आपका जो फ्लो था, वो एक चीज में बंधा हुआ था। सडन आप चेंज करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी आप डिस्टर्ब कर देंगे और आप यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर देंगे, पता नहीं इसे चाहिए क्या, ठीक है। एक हफ्ते का आपको गैप किसी भी एक पर्टिकुलर टेक्निक के बाद में रखना है। अब आ जाते हैं उस वाले जर्नल के ऊपर जिसमें मैं कह रही हूं कि आप इन विशेस को भी ऐड कर सकते हैं। आप बहुत बार ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या करें, फिर इन सारी चीजों के लिए अलग अलग जर्नल्स बनाए। देखिए, मैंने हर चीज के लिए अलग जर्नल बनाया हुआ है। आप नहीं चाहते अलग अलग जर्नल बनाना तो आप मत बनाइए। एक मोटी सी डायरी ले लीजिए, कोई मोटा सा नोट पैड ले लीजिए और उसके पीछे की तरफ में आप अपनी जो आपकी विशेज हैं जिसके अंदर आपको ऐड करनी होती हैं, आप ऐड करते चला जाइए। 5 × 5 = 5 टेक्निक में से भी आपको कोई एक विश है जिसको आपको रोज लिखना है, आप वो वाली विश को भी उठा करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर आप टेक्निक का जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो टेक्निक के पर्टिकुलर टाइम पे उसे छोड़ देना, लेकिन उस विश को उठा करके आप कंटिन्यू लिख सकते हैं पूरी जिंदगी। जब तक वो विश आपकी पूरी नहीं होती तब तक आप उसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद क्या करना होता है, लिखने के बाद क्या करना होता है इन द सेंस पेपर्स पर नहीं, यहां से क्या करना होता है, यहां से क्या करना होता है, जैसे ही आपने उसको लिखा, लिख करके अपना जर्नल बंद किया, तो यहां से भी उस चीज को बंद कर देना है, यहां से भी उस चीज को बंद कर देना है, बिल्कुल उस जर्नल की तरीके से। उसको यहां से खोल करके बैठे रहेंगे कि मैंने विश लिखी और मैं सोचे जा रहा हूं, तो नहीं सेंस बनेगा। इसे मैं लेट गो बोलती हूं। कुछ घंटों के लिए, कुछ समय के लिए लिखनी कब होती है विशेस, इसके ऊपर सबके अलग अलग मत हैं। मेरा ये कहना है जब आप ऐसा फील करें, बिना फीलिंग के आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लेंगे कि आज सुबह 4 बजे उठ करके मैं लिखने वाली हूँ, लेकिन फील नहीं हो रहा, तो वो बिना फीलिंग के वो 4 बजे लिखें, फिर आप चाहे रात को 12 बजे लिखें, उसका मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ने वाला है। फीलिंग सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, किसी भी समय पर आप ऐसा फील कर रहे हैं कि बस मुझे लिखना है, मेरा कोई एक इमोशन है वो जागा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं इस वक्त अपनी इस चीज़ को ब्रेक करूँ और अच्छी वाली फीलिंग के अंदर चले जाऊँ, इसलिए मुझे लिखना है, तो बस लिखिए, उसके लिए कोई टाइम नहीं है। यस, ब्रह्म मुहूर्त पर अगर आप उसको लिखते हैं उठ करके, लेकिन वो फीलिंग आनी चाहिए। अगर वो फीलिंग आती है और उस फीलिंग के साथ में आप लिखते हैं, तो वो काम जो है वो 4 गुना रफ्तार से हो जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त पर क्या क्या चीजें होती हैं और किस तरह से आपको उन चीजों को करना चाहिए, वो एकदम एक डिफरेंट ही टॉपिक है। लेकिन ये मैं टाइमिंग के बारे में बता रही हूँ और टाइमिंग के हिसाब से आपकी फीलिंग के बारे में बता रही हूँ। तो आपको क्या करना है, आप जब भी, जिस भी समय आप लिखें, कोई भी समय आप लीजिए, जब आपको ठीक लगता है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं या कर रही हूं, नहीं लग रहा थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, फिर भी नहीं लग रहा, नहीं यार जबरदस्ती मुझे लिखना पड़ रहा है, डोंट डू दिस, मत करिए, 2 दिन बाद कर लेना, 3 दिन बाद कर लेना, बिना मतलब के वहां पर खराब फीलिंग डाल करके लिखने का कोई सेंस नहीं बनने वाला, बल्कि जो चीज है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की जो है ना, उसका जो चांसेस है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें थी और मुझे लगा इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि क्या करें। तो जब आप डिस्पोज कर रहे हैं ना, तो अपनी फीलिंग को नेगेटिव मत करिए, ओह नो मैंने अपनी विशेस को डिस्पोज कर दिया। नो, जो आपको विश करनी थी वो आपने उस समय पर करके भेज दी है, वो अब एक सिर्फ सिंपल सा पेपर है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो डरने वाली कोई चीज नहीं है, आप जब चाहें तब लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड जर्नल आप पूरी जिंदगी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी विशेस को आप पूरी जिंदगी लिख सकते हैं,
कुछ जो पर्टिकुलर टाइम के लिए हम लोग टेक्निक्स बताते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ आप उतने ही टाइम तक लिखें, और उसको लिखने के बाद एटलीस्ट एक हफ्ते का गैप जरूर करें, और उन विशेज में से उठा करके जो आप एक विशेज का जो जर्नल मेंटेन कर रहे हैं जिसके अंदर आप लिखते हैं अपनी सारे विशेज, तो आप उसके अंदर भी लिख सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन जो छूटने वाला था वो ये था कि क्या वो विश को हम रिपीट कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है ना, लिखते लिखते फ्लो में आ जाती है वो अगली विश, लिख दीजिए, रिपीट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको दूसरे पेज पर कल आप दूसरे विशेज लिख रहे थे और आप उसको रिपीट करना चाह रहे हैं तो कर दीजिए, नहीं चाह रहे, गलती से आ गई आपके दिमाग के अंदर, लिख दीजिए, रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप विशेज जितनी चाहें लिख सकते हैं, जैसे कि यूनिवर्स की कोई लिमिट नहीं है, आपकी विशेज की भी कोई लिमिट होनी ही नहीं चाहिए। क्यों रखनी है लिमिट, क्यों रखनी है, जब यूनिवर्स ने हमारे लिए कोई लिमिट ही नहीं तय की तो हम रखेंगे लिमिट, क्यों रखेंगे। बनाओ जितनी चाहे उतने विशेस बनाओ और उन सब विशेस को पूरा करो। आई लव यू ऑल, बाय।